हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हैवी ग्रोथ में थ्रेडिंग कैसे करें। सबसे पहले आपने सीजर से एक्स्ट्रा हेयर्स कट कर लेने हैं, ताकि जब आप थ्रेडिंग करो तो वो एक्स्ट्रा हेयर आपके धागे में फंसे नहीं। एक कैंची बना लेनी है और उसके बाद ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर रिमूव नहीं करने, थोड़ा दूर से ही रिमूव करने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्लोज जाके एक्स्ट्रा हेयर्स निकालते हो तो एक तो थ्रेडिंग बारीक हो जाएगी, दूसरा थ्रेडिंग नीचे की साइड झुक जाएगी। अगर आपको थ्रेडिंग में अच्छा उठाव चाहिए तो आपको ऊपर के बाल कम निकालने हैं और नीचे के बाल ज़्यादा। और सबसे पहले आप गाइडलाइन रेडी कर लें, दो तीन हेयर्स निकाल के, कि आपने कितने बालों को निकालना है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जब एक दो बाल निकाल लो, फिर धीरे धीरे उसके हिसाब से हेयर्स निकालते चले जाओ, एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। आपने उस लाइन के बाहर जो हेयर्स हैं उन्हीं को रिमूव करना है, लाइन के अंदर तक नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लाइन के अंदर के हेयर्स निकालोगे तो आपकी थ्रेडिंग में कट दिखाई देगा और थ्रेडिंग ऊंची नीची दिखाई देगी। ही आराम आराम से आपने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे थ्रेडिंग बनानी है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी, आराम आराम से हेयर्स निकालने हैं और लाइन आपको जैसे जैसे बनती दिखे उसी के अकॉर्डिंग आप हेयर्स निकालते चले जाओ। मेरे क्लाइंट ने बोला था कि मुझे ज़्यादा मोटी थ्रेडिंग नहीं चाहिए, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम और एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल रहे हैं, ताकि जो उनको जैसी शेप चाहिए वैसी शेप भी आ जाए और थ्रेडिंग भी उनकी उनके अकॉर्डिंग हो जाए। अब हमारे क्लाइंट की वन साइड की थ्रेडिंग हो चुकी है, इससे हमें आइडिया लग गया है कि हमें दूसरी साइड की थ्रेडिंग कितनी मोटी या कितनी पतली रखनी है। आप उस हिसाब से अपनी गाइडलाइन लेते हुए दूसरी साइड की भी थ्रेडिंग कर लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पहले पता चल जाता है कि कितनी थ्रेडिंग मोटी करनी है या पतली करनी है। एक्स्ट्रा हेयर्स निकाले हैं ऊपर से और नीचे के हेयर्स में, फिर से वही प्रोसीजर आपने दोहराना है। एक गाइडलाइन क्रिएट कर लेनी है और उस गाइडलाइन के में दो तीन बाल शुरू शुरू के एक्स्ट्रा के निकाल लो और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आराम आराम से आप हेयर्स निकालते चले जाओ। आपको एक लाइन सी क्रिएट होती दिखाई देगी, उस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपने हेयर्स निकालने हैं। इससे ही आपकी प्रोफेशनल थ्रेडिंग दिखाई देगी, क्योंकि उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ज़्यादा उस लाइन के अंदर तक नहीं जाना, धीरे धीरे आपने उसी हिसाब से हेयर्स निकालने हैं जो आपने लाइन स्टार्टिंग में डिसाइड की है, उसके हिसाब से हेयर्स निकालते चले जाओगे तो आपकी थ्रेडिंग ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपकी बिल्कुल इवन अच्छी लुक वाली थ्रेडिंग तैयार हो जाएगी और बस आपने गाइडलाइन का ध्यान रखना है, स्टच अच्छे से करवाना है और क्लाइंट को बोलना है कि अगर उनके हाथ फिसल रहे हैं, गर्मियों में क्या होता है कि स्वेट आ जाता है जिससे फिंगर फिसलती हैं, तो उनकी फिंगर आप पाउडर में हल्की सी डिप करवा दो या फिर उनके हाथों पे फिंगर्स पे पाउडर लगा दोगे तो उन्हें स्टच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।